नमस्कार, राम राम। कैसे हैं किशन भाइयों? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। किशन भाइयों, आज तारीख हो चुकी है 3 जुलाई 2024, दिन बुधवार। फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो में। आज के ताजा भाव का अपडेट लेकर आज फिर से जानेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज कैसे क्या रहे प्याज के बाजार, कितनी गाड़ियों की आमदनी पहुंची है, ग्राहकी आज कैसी क्या देखने को मिल रही है। कंप्लीट अपडेट आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और जो भी अपडेट बताएंगे किसान साथियों वो 40 किलो मन के हिसाब से प्याज के अपडेट बताएंगे। तो अपडेट को पूरा देखें तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पर पहली बार है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं प्याज के भाव का अपडेट डालूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज दिल्ली आजादपुर मंडी में आज कहां कहां के प्याज क्या क्या भाव आज बिक रहे हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले तो बात करेंगे ताजा फ्रेश अराइवल की। आज मंडी में जो ताजा फ्रेश अराइवल पहुंची है किसान भाइयों वो 35 से 40 गाड़ियों के बीच में पहुंची है और कल भी जो है 33 गाड़ियों की ताजा फ्रेश अराइवल पहुंची थी। आमदनी वैसे दिल्ली आजादपुर मंडी में ठीक ठाक आ रही है, कम देखने को मिल रही है और प्याज के भाव भी जो है बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। किसान भाइयों, आज प्याज के भाव की बात करें किसान साथियों तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज भी जो है प्याज के भाव में चहलकदमी देखने को मिल रही है, प्याज के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, जैसा कि सुबह सुबह जो है मंडी गर्म है, ग्राहकी जो है डबल देखने को मिल रही है और जो सुपर क्वालिटी प्याज आज दिल्ली आजादपुर मंडी में पहुंचे हैं किसान भाइयों उनका भाव आज सुबह सुबह 35 रुपए से लेकर 36 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। बात करेंगे किसान भाइयों सबसे पहले राजस्थान के प्याज की, तो आज राजस्थान के प्याज दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान भाइयों जो सुपर क्वालिटी प्याज है वो आपका 33 रुपए से लेकर 34.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से और जो एवरेज क्वालिटी का प्याज है यानी कुचामन साइड वाले किसान भाइयों एवरेज क्वालिटी की मैं बात करूं तो 32 रुपए से लेकर 33 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। और किसान भाइयों जो बढ़िया टॉप क्वालिटी कुचामन साइड के प्याज है दिल्ली आजादपुर मंडी में आज पहुंचे हैं उनका भाव 35 रुपए से लेकर 35.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। अगर हम बात करें किसान भाइयों मध्य प्रदेश के प्याज की, तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी में मध्य प्रदेश के प्याज किसान भाइयों जो बढ़िया टॉप क्वालिटी सुपर क्वालिटी प्याज है जिसकी कलर पत्ती बढ़िया है 35 रुपए से लेकर 35.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से और जो मीडियम साइज के प्याज हैं किसान भाइयों वो आपके 31 रुपए से लेकर 32 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। पूना बेल्ट की मैं बात करूं किसान साथियों, तो आज पूना बेल्ट के प्याज दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान भाइयों जो बढ़िया टॉप क्वालिटी जिसका कलर बढ़िया है, डबल पत्ती है, ट्रिपल पत्ती है, उनका भाव आज 35 रुपए से लेकर 35.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से और जो हल्के में प्याज है किसान भाइयों यानी मीडियम क्वालिटी वाले उनका भाव आज 32 रुपए से लेकर 33 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। वहीं किसान भाइयों बात करेंगे बहादुरगढ़ के प्याज की, तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी में बहादुरगढ़ के प्याज जो लाल वाले प्याज हैं किसान साथियों उनका भाव 33 रुपए से लेकर 34 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। और किसान भाइयों ग्राहकी की बात करें तो आज सुबह सुबह जो है ग्राहकी बहुत ही ठीक ठाक देखने को मिली और जो गाड़ियां बिकने की उम्मीद है किसान साथियों वो लगभग 40 से 50 गाड़ियां बिकने की उम्मीद है। तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं ग्राहकी के चलते आज जो है बिक्री बढ़िया देखने को मिलेगी। अगर आपका प्याज बढ़िया टॉप क्वालिटी का है किसान साथियों तो दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान भाइयों बहुत ही बढ़िया आपको दाम देखने को मिलेंगे। अगर हम टोटल प्याज के भाव की बात करें किसान भाइयों तो दिल्ली आजादपुर मंडी में जो नीचे में भाव रहा वो 30 रुपए से लेकर 32 रुपए प्रति किलो के हिसाब से और जो ऊपर में भाव रहा किसान भाइयों जो बढ़िया प्याज है उसका भाव 35 रुपए से लेकर 36 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। तो किसान भाइयों ये थे दिल्ली आजादपुर मंडी से प्याज के आज के ताजा भाव का अपडेट जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो और चैनल के माध्यम से दिया। वीडियो और जानकारी हमारी पसंद आई वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। लाइक के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाइयों को शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों को प्याज के भाव का पल पल अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। धन्यवाद।